स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको सेंगेन वीजा के दो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एक कवर लेटर और दूसरा होता है सेंगेन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ये इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि इन्हीं के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट मेरा पहला सेंगेन वीजा एप्लीकेशन सिर्फ मेरे कवर लेटर की वजह से रिजेक्ट हुआ था। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद एग्जांपल्स इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप सेंजन वीजा के बारे में पूरा डिटेल्ड प्रोसेस समझना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट समझना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने पूरा सेंजन वीजा का गाइड बताया। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेंजन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। और ये अज्यूम करके कि आप टूरिज्म पर्पस से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, या तो अपने आप से या अपनी फैमिली के साथ। तो इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने सेक्शंस को येलो हाईलाइट किया है जो कि आपको भरने हैं, बाकी जो सेक्शंस हाईलाइटेड नहीं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं एक एक से इन पूरे सेक्शंस को। तो 1 में आप अपना सरनेम भर दीजिए, 3 में फर्स्ट नेम भर दीजिए, 4-5 में एज पर पासपोर्ट डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भर दीजिए, 6 और 7 में इंडिया भर दीजिए, 8th में लाइक डिपेंडिंग ऑन हुएवर इज फेलिंग वो भर दीजिए, 9 में अपना सिविल स्टेटस भर दीजिए, 10-11 को स्किप कर सकते हैं, 12 में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा तो वो भर दीजिए, 13th, 14th एंड 15th में आप अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू और वैलिडिटी भर दीजिए, 16th में इंडिया भर दीजिए, 17th को स्किप कर सकते हैं, EU वालों के लिए है, 18th को भी स्किप कर सकते हैं अगर आपका कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं है EU वालों के साथ, 19th और 20th में अपना होम एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख दीजिए, 20th में नो लिख दीजिए अगर आप सिर्फ इंडिया में रहते हैं तो, 21 में अपना प्रोफेशन लिख दीजिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे, 22 में आपकी जो भी कंपनी आप जिसमें भी काम करते हैं उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दीजिए, 23 में टूरिज्म लिख दीजिए, 24 में आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, 25 में जिन कंट्रीज में जा रहे हैं वो लिख दीजिए, 26 में मेंबर ऑफ फर्स्ट एंट्री लिख दीजिए जहाँ पे आपकी फ्लाइट लैंड कर रही है, 27 में मल्टीपल एंट्रीज ही भरना क्योंकि वीजा एप्लीकेशन फीस सेम होती है, कोई मतलब नहीं है 2 एंट्री वीजा लेने का, जब आप जा रहे हैं और जब आप निकल रहे हैं सेंजन जोन से तो वो डेट्स लिख दीजिए, 28 में अगर आपके पास सेंजन वीजा पहले से है तो यस भर के वो वीजा नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, 29 स्किप कर सकते हैं, 30th इम्पोर्टेंट फील्ड है, तो 30th में आपको अपना सेंजन वीजा का जो मेन कंट्री है जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले हैं उनके सारे होटल्स के एड्रेस लिखने हैं। तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जगह थोड़ी सी कम होती है, जरूरी नहीं है कि सारे होटल्स आ जाएं। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज जा रहे हैं तो पॉसिबल है कि सारे होटल्स में ना आ पाएं, तो इसलिए जो मेन कंट्री है जिसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट उस कंट्री के सारे होटल्स उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दीजिए 30 में, 31 स्किप कर सकते हैं, 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 32 में आपको बताना है कि आप कैसे खर्चा कर रहे हैं, तो इसमें ओन पे क्लिक कर दीजिए और कैश के लिए आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए तो कैश टिक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी टिक कर सकते हैं, बट याद रखना अगर आप इसमें टिक कर रहे हैं तो आपको एज पार्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक स्टेटमेंट लगा देना है, फ्लाइट बुक करना मैंडेटरी है तो आप प्रीपेड ट्रांसपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, बट होटल्स को पे करने का जरूरत नहीं है, तो आप booking.com वगैरह कहीं से भी विदाउट प्री पेमेंट बुकिंग कंफर्मेशन ले सकते हैं, बट इस ऑप्शन को टिक मत करना बिकॉज वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एज अ फैमिली अप्लाई कर रहे हैं और आप हेड ऑफ फैमिली होंगे तो जो 32 का नीचे वाला सेक्शन है इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल अपनी वाइफ या बच्चों के लिए बाई अ स्पॉन्सर पर टिक करना है, फिर अदर में अपना नाम लिखना है एंड यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन टिक करने हैं बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अकोमोडेशन, सारे एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो इसमें सारे पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया वीजा एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके कवर लेटर पे। तो कवर लेटर में भी सिमिलरली मैंने कुछ सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है और येलो हाईलाइट किया हुआ है। अब जानते हैं एक एक सेक्शन के डिटेल के बारे में और उसको कैसे भरना है। कवर लेटर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि सेंजन वीजा एप्लीकेशन में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो आपको अज्यूम करना है कि वीजा ऑफिसर के सामने अगर आप बैठे होंगे
उसको जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका एप्लीकेशन देख के, आपका डॉक्यूमेंट देख के, उन सब के आंसर्स इस डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। मैं 5-6 बार वीज़ा अप्लाई कर चुका हूँ इससे। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होंगे। अब कवर लेटर को स्टेप बाय स्टेप भरने के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए, जिस भी एम्बेसी को अप्लाई कर रहे हो, डेट लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए कि मुझे टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विद योर नेम, पासपोर्ट नंबर एंड जितने भी एप्लीकेंट्स हों उनका नेम एंड पासपोर्ट नंबर। तो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका नेम एंड पासपोर्ट नंबर, प्रीवियस पासपोर्ट नंबर, और जिन जिन कंट्रीज़ में आप जा रहे हैं और जिन जिन डेट्स पे जा रहे हैं, वो सब लिखना है विद पर्पस। यहाँ पे एक ऑप्शनल फील्ड है बट काफ़ी हेल्पफुल फील्ड है। इसको थोड़ा पर्सनलाइज करने के लिए आप इसमें अपना रीज़न भी लिखिए कि क्यों जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट बी योर हनीमून, इट माइट बी योर ड्रीम डेस्टिनेशन, मेरे आप पेरेंट्स को पहली बार ले जा रहे हैं, आपके बच्चों का पहला ट्रिप है, एक्सेट्रा। इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और इससे लगता है कि एक जो भी फॉर्म भरने वाला इंसान है वो एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। सेकेंड सेक्शन होता है आप इस एम्बेसी के थ्रू क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि आप जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक महीने के लिए जा रहे हैं और आप एक कंट्री में 10 दिन, दूसरे कंट्री में 8 दिन, तीसरे कंट्री में 6 दिन, चौथे कंट्री में 6 दिन बिता रहे हैं, तो जिस कंट्री में आप 10 दिन बिता रहे हैं उस कंट्री के थ्रू आपको अप्लाई करना है। और वही बात आपको यहाँ पे लिखनी है कि ये आपका प्लान है, बिकॉज आप हाइएस्ट डेज यहाँ इस कंट्री में स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न कि आप इस एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। और अगर दो कंट्री में आप सेम डेज स्पेंड कर रहे हैं तो जिस भी कंट्री में आप पहले लैंड कर रहे हैं आपको उसके थ्रू अप्लाई करना है। फिर तीसरा सेक्शन आता है क्लैरिफिकेशन देने का। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में देखा था कि हमने मेन जो कंट्री था उसी के होटल्स के बारे में लिखा था, तो बाकी जितने भी होटल्स हैं आप लिख सकते हैं कि बिकॉज फॉर्म में जगह नहीं थी मैंने बाकी होटल्स के बारे में नहीं लिखा है, बट इस कवर लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा था और आप भी लिख सकते हैं कि इंट्रा सेंजन की जो ट्रैवल होती है वो प्री बुक करना मैंडेटरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं फ्लाइट से, बस से, ट्रेन से, पर आप लिख सकते हैं कि ये मेरा प्लान है। और फॉर एग्जांपल, ट्रेन बुकिंग्स 2 महीने पहले से स्टार्ट होती हैं और मे बी आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म 4 महीने पहले दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई थी बट मैं कर लूँगा, या फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बुक नहीं किया है, मैं ट्रैवल डेट से 1 महीने पहले बुक कर लूँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं आपके ट्रैवल प्लान के बारे में। तो आप फ्लाइट वाला प्लान अलग से लिख सकते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ कंट्री लेवल फ्लाइट प्लान लिखना है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आप किस सिटी से किस सिटी का कौन सा फ्लाइट नंबर ले रहे हैं विद PNR नंबर, और मे बी जो इंट्रा सेंजन वाला है उनका प्लान क्या है कि आप ट्रेन से कहेंगे, फ्लाइट से करेंगे, किस डेट को करेंगे, उनका स्टेटस आप टू बी बुक लिख सकते हैं। तो अगेन आइडिया ये है कि आप पूरा प्लान बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपका बुक्ड ही हो। फिर आप अपना डे वाइज आइटनरी लिख सकते हैं, जिसमें कि किस पर्टिकुलर दिन आप किस कंट्री के किस सिटी में रहेंगे और उस दिन आप क्या करने वाले हैं और किस होटल में रहेंगे, तो वीज़ा ऑफिसर को ये कॉन्फिडेंस रहे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका प्लान बहुत ही क्लियर है, उनको एग्जैक्टली पता है कि आप कहाँ पे रहोगे। तो ये आइटनरी जितना डिटेल में लिख सकते हैं आप उतना डिटेल में लिखिए। तो ये हो गया आपका डे वाइज आइटनरी। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। आपको पता है कि यूरोप, US, इन सब में इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई नहीं चाहता कि उनके कंट्री में इलीगल माइग्रेशन हो। अब कोई स्टाम्प पेपर पे लिख के तो दे नहीं सकता है, तो यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है विद सपोर्टिंग प्रूफ्स कि मैं इलीगल माइग्रेशन का कॉज नहीं बनूं फॉर XYZ रीजन। फॉर एग्जाम्पल, वो रीजन हो सकता है कि आपके पास स्टेबल जॉब है, आपके पास प्रॉपर्टी है यहाँ पे, आपके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं, दीज आर गुड इनफ रीजन कि आप अपने होम कंट्री में वापस आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है कि आपको ये लिखना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो आप VFS वाला लिंक भी लगा देना, ताकि आप पता रहे कि आप कोई रैंडम लिंक से नहीं कर रहे हैं, बिकॉज VFS एक ऑफिशियल एजेंसी है जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, तो VFS पे ये लिखा था, इसलिए मैं ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ। और अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप मेरा सेंजन वीज़ा गाइड वाला वीडियो देख के उसमें पूरा लिस्ट मैंने दिया था, पूरा एक्सप्लेन भी किया था बाकी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसके बाद सेक्शन आता है एक्सपेंस डिक्लेरेशन वाला, जिसमें कि आपको ये लिखना है कि आप जिम्मेदारी लेते हैं अपने और अपनी फैमिली के पूरे एक्सपेंसेस की, तो आप बस आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है।
कि आपको मेडिकल बोर्डिंग लॉजिंग सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का वीजा रिजेक्ट भी होता है, तो आपको सारे उसमें क्लियरली लिखना है कि आपने वीजा कब अप्लाई किया था, उसका रिजेक्शन रीजन क्या था। जब भी वो वीजा रिजेक्ट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं, प्रेफरेबल अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो तो आप इसमें साथ में अटैच कर सकते हैं उसका जेरोक्स। अगर नहीं है तब भी इट्स ओके, आप बोल सकते हैं कि उसका रीजन ये था, और जो भी आपका पास ट्रेवल हो फ्रॉम डेट टू डेट, लाइक जब भी आपकी एंट्री और एग्जिट हो, वो सारा डिटेल्स आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई ये मेरी सेंजन वीजा और ट्रैवल हिस्ट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है क्लोजिंग स्टेटमेंट कि भाई ठीक है अब ये सब तो हो गया, लेकिन अगर आपको इसके बाद भी और कुछ भी चाहिए तो मैं अवेलेबल रहूंगा, आप मुझे फोन कर लो, मेल ईमेल कर लो, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी मांग लो। तो बस ये हो गया क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ, पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा आप इस एम्बेसी के थ्रू क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तीसरा होता है आपको कोई क्लैरिफिकेशन देना हो, चौथा होता है आपका फ्लाइट एंड ट्रैवल प्लान, पांचवा होता है आपका सर्टिफाई करने का रीजन कि आप एज इलीगल इमिग्रेशन का कॉज क्यों नहीं बनेंगे, सिक्स्थ होता है आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट कर रहे हैं, सेवन्थ एक्सपेंस डिक्लेरेशन, एट्थ सेंजन वीजा या ट्रैवल हिस्ट्री, एंड नाइन इज क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो आप ये फॉलो कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।